बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल हैं जनाब आपके, कैसा गुजरा आपका वीकेंड? मेरा वीकेंड बड़ा ज़बरदस्त गुजरा क्योंकि अब काफ़ी दो तीन हफ्तों के बाद मैं लाहौर गई वीकेंड पे, और अब जब से मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया है तो मेरा वो एक जायज़े की जो आँख है ना वो कुछ ज़्यादा ही खुल गई है। वो इस तरह हुआ है कि जी जब भी मैं कोई चीज़ देखती हूँ अपने इर्द गिर्द तो मैं उसको ऑब्जर्व करने लगती हूँ, गौर से देखने लगती हूँ ताकि उसकी बात मैं आपके साथ कर सकूँ शेयर और अपने दिल के कैथारसिस भी निकाल सकूँ। तो जनाब सबसे पहले तो मैं लाहौर जा रही थी तो उमर शरीफ साहब से फ़्लाइट में मुलाकात हुई तो बड़ा मज़ा आया। उन्होंने बड़े कह कहे बखेरे बड़ी अच्छी बातें की और बहुत अच्छा सफ़र रहा। अब जैसे ही लाहौर पहुँची थी, लाहौर पहुँचने के बाद मौसम बड़ा ठंडा था, ठंड चल रही थी, खूबसूरत हरा भरा मेरा लाहौर लग रहा था। फिर जनाब खैर मैंने एक रात डिनर पर जाना था कहीं रात को, तो डिफेंस में मुझे ये पता चला कि इतफाक से मैं रहती हूँ डिफेंस में जी, और इतफाक से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी रहते हैं डिफेंस में। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या कोई भी वीआईपी मूवमेंट होती है ना तो हमारे डिफेंस के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, और बेचारे हम जैसे लोग, बहुत से लोग जिनको पता नहीं किसी काम के लिए जाना हो, किसी को हॉस्पिटल जाना हो, किसी को शादी पर जाना हो, किसी को अपने घर जाना हो, या कोई मौत और ज़िंदगी का मसला बना हो, लेकिन वीआईपी मूवमेंट ऐसी होती है कि पूरा डिफेंस ब्लॉक कर दिया जाता है जब तक कि वो गाड़ी गुजर ना जाए। सो आई वंडर कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको हम वोट इसलिए देते हैं कि ये हमारे मुल्क की खदमत करें और आवाम के लिए फैसिलिटेट करें, आवाम को तकलीफ़ ना दें, मगर वीआईपी मूवमेंट्स जो है ना सरकार आपकी, उनकी वजह से बड़े लोग तकलीफ़ में होते हैं। मैंने देखा इतने रश की वजह से दो तीन एम्बुलेंस भी खड़ी नहीं थी, मतलब एम्बुलेंस में एक बंदा जा रहा है वो चाहे फौत हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर या फिर वीआईपी मूवमेंट, उनकी सिक्योरिटी तो ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्या करें, ये तो हाल है हमारे मुल्क का। तो जनाब खैर ये रहा मेरा ट्रिप का एक अजीब सा वाकया था जिससे मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई और मैंने कहा कि कब हमारा मुल्क सुधरेगा, कब हमारी जो कौम के सियासतदान हैं वो भी आवाम की तरह, एक आम इंसान की तरह सोचेंगे और एक आम इंसान की तरह रहेंगे। ये वैसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता सिवाए हमारे मुल्क के। फिर जब मैं वापस आ रही थी प्लेन में तो फिर मैं ये सोच रही थी कि देखें रोज़ी रोटी इंसान को कहाँ से कहाँ ले आती है। मैं लाहौर में रहती हूँ, मतलब लाहौर की हूँ, मुझे लाहौर से इतनी मोहब्बत है, मेरा शहर, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त अहबाब सब लाहौर में, मगर रोज़ी रोटी के लिए अब मैं जब ये शो कर रही हूँ और काम के लिए मुझे कराची आना पड़ा इसी तरह से। लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि चलो मैं तो कराची हूँ, मैं दो घंटे की फ़्लाइट पर जा सकती हूँ, फैमिली से मिल सकती हूँ, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन वो लोग भी तो हैं जो सदियों से, मतलब सालों से अपनी फैमिली से दूर रोज़ी रोटी के लिए मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ किस तरह गुजारा करती होंगी, उनकी फैमिलीज़ उनको कितना मिस करती होंगी। अक्सर आपने देखा होगा लड़का जी अमेरिका से, लड़का है अमेरिका में काम करता है, यूके में काम करता है, लड़की और लड़के की शादी होगी, शादी के दूसरे दिन क्या हफ्ते के बाद क्योंकि उनकी छुट्टी कम होती है वो चले जाते हैं अपने काम के लिए और बेचारी दुल्हन जो है उनके इंतज़ार में रहती है। अक्सर तो मैंने ये देखा है बस छुट्टियों में मिलने आएंगे और बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, कितनी ईदें, कितनी खुशियाँ, कितना कुछ मिस कर देते हैं, मगर क्या करें अपने घर के लिए, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं और पता नहीं किन हालात में वहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं, अकेले तन्हाई में ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर मुल्क से बाहर होते हैं। तो आज मैं आप सबसे यही सवाल करूँगी जी, किसी घर का कफ़ील मुल्क से बाहर क्यों जाता है? क्या पैसे कमाने के लिए जाता है या फिर बीवी से तंग हा कर चला जाता है? आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स करें, SMS करें, आपके लिए हैं बहुत सारे गिफ्ट। और साथ साथ आपको ये बताती चलूँ, कल है इंटरनेशनल वुमेंस डे, मतलब औरतों का आलमी दिन, हमारा दिन है कल और ये दिन हम सेलिब्रेट करेंगे यूफोन के साथ, क्योंकि यूफोन ने ख़वातीन पैकेज अनाउंस करके ख़वातीन के लिए दी हैं बहुत सी सहूलियात। तो जनाब आप ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें, बिकॉज यूफोन की तरफ से आपको मिलेंगे बहुत से सरप्राइजेज। और वैसे भी कल आलमी दिन है, हमारा दिन है, तो हमारा दिन है, हमारी बात चलेगी, हमारे ही हुक्म चलेंगे, ठीक है जी। कल मंडे के विनर्स अनाउंस करूंगी, लेकिन आपको बताती चलूं कि मियां मिट्ठू की बेचारे की पेशन गोई जो है ना वो एक दफ़ा फिर गलत हो गई। उसने मियां मिट्ठू साहब ने फरमाया था कि जीतेंगी जी, बांग्लादेश जीतेंगी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ जीत गई और अब बांग्लादेशी टीम जो है ना वो वेस्ट इंडीज़ के बाद मियां मिट्ठू को ढूंढ रही है। आपको एक बड़ी मज़े की वाकया शेयर करूं, कल मैं FM पर सुन रही थी कि एक अदद तो हमारे बेचारे मियां मिट्ठू हैं पाकिस्तान में, एक कोई मियां मिट्ठू फाल निकालते थे इंडिया में, मरहूम कहूँगी उनको मैं क्योंकि फौत हो चुके हैं, वो इंडिया में फाल निकालते थे और किसी शहर में थे और उन्होंने कोई शिवसेना के लोगों ने उनसे फाल निकलवाई 5 दफ़ा,
कि बताइए वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, और उस मियां मिट्ठू ने, बेचारा शहीद कहूँगी अब उसको मैं, उस मियां मिट्ठू ने 5 दफ़ा फाल निकाली कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतेगा, और हिंदू शिवसेना के लोगों ने उस मिट्ठू को बेचारे को मार दिया। और ये खबर जो है ना रात को एफएम पे चली है, और ये सुन के हमारा मियां मिट्ठू जो है ना वो रूपोश हो गए कि कहीं ये ना हो कि कहीं गलत यहाँ पे फाल निकाले और वहाँ मार दे। लेकिन हम मुसलमान लोग, हम पाकिस्तानी लोग इतने जालिम नहीं है कि हम मियां मिट्ठू पे जुल्म करें, हम ज़रा दिमाग से काम लेते हैं। मगर ये देखें कि इंडिया में रहने वाले मियां मिट्ठू ने 5 दफ़ा फाल निकाली है कि हमने जीत जाना है वर्ल्ड कप, तो इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, और उस बेचारे ने अपनी जान भी दे दी इस फाल की वजह से, तो हमें जीतना है वर्ल्ड कप। तो जनाब अब आज मैच है कैनेडा वर्सेस कीनिया का, तो चल के देखते हैं जो रूपोश हो चुके हैं मियां मिट्ठू वो कहाँ से फाल निकाल रहे हैं। अच्छा आज तो आ ही नहीं रहे, रूपोश हो गए, आज तो आ ही नहीं रहे, हो चले गए शहीद। वो अपनी जान बचाने की कोशिश की है उन्होंने भी, क्योंकि जब इंडिया में मियां मिट्ठू को बेचारे को शहीद कर दिया गया तो मेरा ख्याल में ये भी डर के भाग गए कि कहीं हम भी जालिम ना हो जाए। अच्छा जनाब आपको अनाउंस कर दूं, गिफ्ट जो मंडे को आप लोगों ने जीता था, सवाल हमारा था कि जी किसी एक शख्स की किस्मत दूसरे शख्स पर कितना असरअंदाज करती है, तो जी विनर्स ज़रा मैं देख लूँ, मंडे को यही होता है कि मैं ज़रा दोबारा से आना, मुझे विनर्स नहीं मिल रहे फॉर सम रीज़न। हाँ जी, विनर्स ऑफ लखानीज ड्रेसेस, साजिद ने कराची से जीता है जी, सादिया ने हैदराबाद से, और सईद गन की बास्केट जीती है असमा ने पन्नू अखील से, और तमसीला ने लाहौर से, तमसीला बड़ा डिफरेंट सा नाम है, और जोना का पेयर ऑफ शूज़ जीता है मिसेज परवीन बट ने कराची से। आप सबको बहुत मुबारक हो, और साथ साथ आपको ये भी बताती जाऊँ कि अमोर, दोबारा से बता दूँ कि कराची आ चुका है, और अमोर की आइसक्रीम्स के फ्लेवर्स बड़े मज़े के हैं, कलर्स बड़े मज़े के हैं, आज ही जाएँ फ़ौरन शो के बाद, मैं दोबारा खाने जा रही हूँ, आप भी ज़रूर खाइएगा। तो जनाब आज भी आपके लिए हैं हमारे पास बहुत सारे गिफ्ट, एक बार फिर से आपको सवाल रिपीट करती जाती हूँ, किसी घर का कफील मुल्क से बाहर क्यों जाता है, बीवी से भागकर या फिर रोज़ी रोटी के लिए? आप हमें ज़्यादा कॉल और एसएमएस करें। गिफ्ट है जी सईद गनी की बास्केट है, दोना का पेयर ऑफ शूज़ है, उसके साथ हाशमी का गिफ्ट हैम्पर है, और उसके साथ यू फोन का गिफ्ट हैम्पर हम आपको देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एसएमएस करें और बताएं कि कोई मुल्क से बाहर क्यों जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल जी, अभी तक तो कोई कॉल नहीं आई, किधर चले गए सारे जी। अच्छा जी सवाल, सबसे पहले हमारी कॉलर आ गई हैं सलमा अमीन फ्रॉम पाक पतन। सलमा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वो बखैर नूर, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं सलमा जी? कल मैं देख रही थी हीरा मानी का शो, उस पे भी आपको आपने कॉल की हुई थी। हाँ जी वो तो मैं करती हूँ, मुझे अच्छे लगते दोनों जी, बहुत अच्छा वो, मैंने एकदम से आपकी आवाज पहचानी। हम टीवी से तो रेगुलर कॉलर हूँ ना, बस यही देखती चैनल, और बहुत कम मेरे पास टाइम ही नहीं होता। वेरी नाइस जी, रेगुलर कॉलर पे होता है ना, इसलिए फिर वो मैं जी मैंने वो देखा, फिर मैंने कहा ये तो मेरी वाली कॉलर है, मैंने कहा चले गुड है, हमारी कॉलर है ये जी, बस हम फिर मुझे पसंद है ना इसलिए मैं यहाँ कॉल करती हूँ। सबका फेवरेट है, हम सबका फेवरेट है ही, बहुत अच्छा चैनल जी। हाँ सही बात, वो अल्लाह तला इसको दिन दुनी रात चुनी तरक्की था फिर। आमीन आमीन आमीन। हाँ जी यार मैं अजीज आज सुनाऊंगी आपको हकूक वालदैन के बारे में जी। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप के हकूक की अदायगी रोजा नमाज हज ज़कात सबसे ज्यादा है, और जिसको उसके माँ बाप ने आ कर दिया वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। अस्तग़फ़ार, अगर माँ बाप के नाम पर सदका देना है तो खुद को इतना ही सवाब मिलता है जितना के माँ बाप को। एक शख्स ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप मर गए हैं, उनके हकूक किस तरह अदा करूँ? तो हुक्म हुआ कि उनके लिए नमाज पढ़, दुआ कर, उनके दोस्तों की इज्जत कर, और जो वसीयत कर गए हैं उन पर अमल कर, और उनके करीबी लोगों से मराद कर। ये भी इरशाद फरमाया कि माँ बाप के मुकाबले माँ का हक दो गुना है। मुसलमानों अपने वालदैन के साथ नेकी का बर्ताव करो ताकि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ नेकी से पेश आए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। नूर बेटा एक छोटी सी बात में इस्लाह करूंगी आपकी जी, वो जब भी आप अपने अबू का नाम लिया करें तो उन्हें कहा जन्नत अल फरदौस अल्लाह पाक उनको जगह दे, और जो सुन रहे थे उनके मुंह से ऑटोमेटिक आमीन निकलेगा जी। जी जी जरूर, थैंक यू बहुत शुक्रिया। मैं वो क्वेश्चन आंसर देना चाहती हूँ, मेरा भाई अच्छा 16 साल से ऑस्ट्रेलिया में है और अभी तक वो वापस नहीं आया, सिर्फ मैसेज आते हैं कॉल आते हैं। इस दौरान मेरी वालदा की भी डेथ होगी, वो वरना वो वहां सेट हुआ यहाँ पाकिस्तान में, हर चीज अपनी बेस पर चला गया था। वो कहता है पाकिस्तान किस मुंह में आऊँ, वो पैसा कमाने की चक्कर में गया था कि चले अच्छा वहां मैं कमा के यहाँ पाकिस्तान में और ज्यादा एस्टेब्लिश हो जाऊंगा, लेकिन यकीन करो 16 साल से हम उसको तरस रहे हैं
इतने उसकी मिनटे करते कि वापस आ जाए, वो अभी तक नहीं आया। आप भी दुआ करना कि जल्दी अल्लाह पाक उसका रोजी रोटी वहाँ से खत्म और यहाँ हमारे पास आ। इंशाल्लाह जी, जरूर दुआ करेंगे। परदेश जाने वाले बस ये नहीं सोचते जी कि हम देश में कोई रोता है किसके लिए, नो? लेकिन खैर ये कि अल्लाह कहे जल्दी वापस आ जाए, इसीलिए मैंने ये सवाल किया ताकि सब अपने अपने मोहब्बत, अपना दुख, अपनी खुशी शेयर कर सके। हम बहन भाई यहाँ सब हैं तो वो रो लेते हैं एक दूसरे को देख के, और वो अकेला वहाँ पर 16 साल से, और 16 साल आपको पता लगा कितने महीने, बहुत बहुत काफी लंबा अरसा है। लेकिन इंशाल्लाह जरूर दुआ करेंगे कि वापस आ जाए। थैंक यू सो मच शर्मा जी, अपना बहुत ख्याल रखें। समीना की कॉल है जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं समीना? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। बहुत शुक्रिया समीना। आज आपने शो देख रही है, वीकेंड कैसा गुजरा आपका पहले ये बताएं। जी वीकेंड में नहीं देख सकी थी। अच्छा जी, वो शो नहीं देख सकी थी, वीकेंड तो बहुत अच्छा गुजरा मेरा, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा वीकेंड पे वैसे हमारा शो होता भी नहीं, छुट्टी पे जाते हैं। जी, जी, तो नहीं होता। अच्छा आज मैंने सवाल किया किसी घर का कफील मुल्क से बाहर क्यों जाता है, बीवी से भागकर या फिर रोजी रोटी के लिए? रोजी रोटी के लिए जाता है, ज्यादातर जो होते हैं वो रोजी रोटी के लिए जाते हैं। इसीलिए परदेश जाते हैं, वरना किसको शौक है अपनी माँ को छोड़ के जाए इंसान? किसी को, फैमिली को छोड़ के, माँ को छोड़ने, घर बार को, किसी को छोड़ के जाने का दिल नहीं चाहता, सिर्फ वो हालात की वजह से परेशान होकर जाता है। तो आपके कोई है, कोई फैमिली मेंबर या कोई है जो परदेश गए और बहुत मिस करते हैं? देवर होते हैं परदेश, लेकिन वो फैमिली के साथ होते हैं। अच्छा फैमिली के साथ होते हैं, चले फिर तो शुक्र है। लेकिन फिर भी बंदा फैमिली को ओकेजन पे मिस तो करता है ना, चाहे वो फैमिली के साथ हो, फिर आप पूरी फैमिली को मिस कर रहे होते हैं। हर साल टूर लगाते हैं, बहुत मिस करते हैं वो। अच्छा चलें फिर तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। चलें आप अपना बहुत ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा एसएमएस करें अगर आप चाहते हैं कि आप गिफ्ट जीत जाएं। और आज हम वनीजा अहमद हमारे शो पर आ रही हैं और वो अपनी लॉन्च कर रही हैं लॉन वी लाइन, और उसके ड्रेस लॉन ड्रेसेस हम देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा एसएमएस और कॉल्स करने वालों को मिलेंगे। आप भी जवाब दें एसएमएस करके, शायद आप जीत जाएं। अल्लाह हाफिज़, चली गई शायद। तो जनाब बड़ी अच्छी सलमा जी ने बड़ी अच्छी बात की कि माँ बाप, जैसे वो बता रही थी कि अम्मी का इंतकाल हो गया और वो 16 साल से वहाँ पे हैं। मुझे कल भी यही ख्याल आया था रह रहे कि जब मैं अपने अब्बा को मिस करती हूँ, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, तो मैं उनको यही सोच रही थी कि हम इंसानों को पता ही नहीं है, हम बच्चों को पता ही नहीं है, हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम कहते हैं हम मुल्क से बाहर गए हुए हैं, हम दोस्तों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, हम अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे रहा, हमें लगता है कि वो तो यही है, उन्होंने कहाँ जाना है, मतलब जाएंगे वापस घर से, फिर पुर के वापस आ जाएंगे तो वो घर पे होंगे। लेकिन बिलीव मी, वो लम्हा जब वो नहीं होते हमें एहसास होता है कि हम उनको कितना मिस कर रहे हैं, कि काश हमने वो वक्त जो हमने बाहर गुजारा, वो वक्त जो हमने दोस्तों के साथ गुजारा, वो वक्त जो हमने ऐसी आवारा गर्दियों में गुजार दिया, या नौकरी की तलाश में, या दुनिया के झंझटों में, वो वक्त हमने अपने पेरेंट्स के साथ गुजारा हो। तो जनाब कोशिश करें प्लीज़, अगर आप जहाँ भी हैं, अगर अपने घर वालों से अलग रह रहे हैं अपनी बीवी की वजह से, या बीवी नहीं मिल रही अपने हस्बैंड की वजह से, सब छोड़ दें, मतलब छोड़ें ना इन द सेंस कि सब लड़ाइयाँ छोड़ दें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, आज ही उनको कॉल करें, उनसे मिलें जाके, बिकॉज ये वो नेमत है, जब एक दफ़ा हाथ से निकल गई ना उसके बाद वापस नहीं आएगी, और हम मेरी तरह हाथ मलते रह जाएंगे। तो जनाब दोबारा से आपको रिपीट कर दूँ, क्वेश्चन आज का ये है कि अगर किसी घर का कफील मुल्क से बाहर जाता है तो उसकी क्या वजह होती है, रोजी रोटी के लिए या फिर बीवी से भाग के चला जाता है? अक्सर ऐसे लोगों ने जाके बाहर के मुल्क, आपने देखा कि दूसरी शादियाँ भी कर लेते हैं। ये केसेस कितने ज़्यादा हुए हैं ये भी आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। जल्दी से कॉल करिए, SMS कीजिए, बिकॉज आपके लिए हैं बहुत सारे सरप्राइजेस। और हमारे नेक्स्ट गेस्ट आपको मिलाऊंगी अपने ब्रेक के बाद। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।